The Mahasa Autonomous Council Assembly session held on 17th July 2024. With Mohit Hojai chairman in the chair second, 247, session of the Mahasa Autonomous Council was held at the Council Session Hall on Wednesday. In pursuance of earlier session wherein three-member committee was formed with Dhriti Thousan MSC as chairman, this committee submitted its report and placed before the House. After thorough discussion, the House unanimously passed to notify the duties, power and function of the PSC like Council Committee on Public Account, framed under the Rules of Procedures and Conduct of Business in NC Hills Autonomous Council Assembly, presently under legislative process. This was followed by the formation of five-member committee of CCPA with Rupali Langthasa MSC as chairperson, Dhriti Thousan MSC, Hirojit Jidung MSC, Amin Lienthang MSC and L. Darne as the members who will scrutinize and consider the report of the Comptroller and Auditor General in case where the Governor may have required him or her to conduct an audit of any receipts or examine the accounts of stores and stocks. Session of the 11 autonomous councils. लिस्ट ऑफ बिजनेस जो एजेंडा है नंबर वन एजेंडा क्वेश्चंस एंड आंसर है इवेंट तो इसमें हाउस में क्वेश्चन एंड आंसर तो नहीं है ऑनरेबल मेंबर्स लोग कोई क्वेश्चन सबमिट नहीं किया तो एक नंबर एजेंडा का हिसाब में तो कोई डिस्कशन करने को हाई नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कोई किसने भी क्वेश्चन नहीं दिया तो दो नंबर एजेंडा में है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2014-15 टू 2018-19 ये है तो आप लोग इस ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है ऑडिट का ये कॉपी आप लोग सबको भी मिला होगा ऐसा करता है आप लोग कॉपी मिला है तो लोग इसको गवर्नमेंट स्टार्ट किया ना नहीं किया आप लोग इस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ये एक्सेल का नहीं है 2014-15 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 18 and 19 तक है तो इसलिए इस रिपोर्ट का ऊपर में हाउस में आप लोग ऑनरेबल मेंबर लोग डिस्कशन कर सकता है मेंबर लोग इसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ हाउस में रखने भाषण रखने सकता है साथ आए तो आप लोग डिस्कशन कीजिए मैं अनुरोध करता हूँ एक एक करके आप लोग ये ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर में डिस्कशन भाषण रखने के लिए तो पावर अपना लॉ बनाने के लिए तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग ने ये ड्राफ्ट बनाया है और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टुवर्ड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी फिस्कल डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल दैट इज आवर दिमासा ऑटोनॉमस काउंसिल मैं आशा करता हूँ आप सभी को वो ड्राफ्ट पेपर तो मिल गया है और मैं इस ड्राफ्ट का कुछ एक दो हाईलाइट में बताना चाहूँगा तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है ये 1921 में आया था इंडिया में दैट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस तो उसके बाद इंडिपेंडेंस का बाद भी ये कार्य रहा तो उसी को सब कुछ हम स्टडी करने के बाद में ये कमिटी का तो फंक्शनिंग जो मैं एक जस्ट हाईलाइट देना चाहूँगा दैट दे विल बी अ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स शोइंग एप्रोप्रिएट ऑफ सम ग्रांटेड बाय काउंसिल असेंबली
The expenditure of N. Narkashatma's council and other have laid before the council assembly as committee may think fit. तो आज तो मेरे इस के पहले जो हम लोग जो सी ए जी रिपोर्ट बनाया था तो उसी के हिसाब से उसी के तरफ से हम लोग का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा ये बी एस सी कमेटी का उसी के हिसाब से हम लोग भी उसको स्टडी कर सकता है. तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये कमेटी कैसे गठन होगा. सो दिस कमेटी शैल कंसिस्ट नॉट मोर देन 7 मेंबर्स 7 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना है. हु शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द हाउस अमंग इट्स मेंबर्स. तो हमारा बीच में ही से ही इसको चुना जाएगा. लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दैट एग्जीक्यूटिव मेंबर शैल नॉट बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमेटी एंड इफ ए मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन टू द कमेटी अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ही शैल चूज टू बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. तो अगर कोई मेंबर इस कमेटी का में पी एस सी कमेटी से वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गया तो अगर हो गया तो इस कमेटी का वो टेन्योर रहेगा 30 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल फॉर्मेशन. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वन ऑफ द मेंबर अदर देन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इलेक्टेड बाय द हाउस कमेटी शैल बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कमेटी बाय द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि अगर आप हम लोग देखा जाए तो हमारा लेकिन हमें भी ये देखना है कि हमें भी ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो कोई पार्टी का नहीं है. तो इन दिस सिचुएशन हम लोग हाउस डिसाइड कर सकता है कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा. और आप लोगों से पहले ही रिपोर्ट में आप लोगों को ड्राफ्ट मिल गया है तो अगर कोई क्वेश्चन आप उनसे डिस्कस कर सकता है. और ये जो पॉइंट्स हम लोग हैं अगर कोई लास्ट पॉइंट में जो है एनी एडिशनल पॉइंट ऑफ द प्रोसीजियर व्हिच आर फॉर्मेड टाइम टू टाइम इंक्लूडेड इन दिस मीन्स हम लोग कभी भी हम लोग अगर कुछ चाहिए तो हम लोग उसको इंकॉर्पोरेट कर सकता है. तो वही है तो यही था हम लोग का ड्राफ्ट. तो मैं लास्ट में आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि मैं अपना मन की बात बोलना चाहूँगा कि आज़ाद भारत का सबसे पहला और पुराना काउंसिल हमारा किसी काउंसिल है. और ये जो हम लोग काउंसिल मिला है जो हमारा फोर फादर का एक मिशनरी वक्त से ही मिला है. और जैसा देश स्टेट्स अपना कानून और आइन में चेंजेस कर रहा है हम लोग काउंसिल्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी मॉडर्न प्रोग्रेसिव लॉ सिस्टम अडॉप्ट करें जिससे कि हमारा समाज और भी अच्छा हो. क्योंकि हम सबसे पुराना काउंसिल है हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी एक जैसा पी एस सी बने और दुनिया को भी हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल काउंसिल दिखाने के लिए हमें भी दिखाना चाहिए. सो जब हम बोलता है कि दैट वी आर रेस्पॉन्सिबल काउंसिल तो हम लोग के भी दैट वी हैव टू थिंक लाइक ए स्टेट वी हैव टू एक्ट लाइक ए स्टेट and our behavior and our working procedure should be like a state. और आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ और शायद हाउस भी खुश है कि हमारा ऑनरेबल सी एम सर श्री डॉक्टर गौरोसा ने एक विजन लीडर और एक स्टेज में जैसे कदम उठा के ये पी एस सी के रूप में इस कमेटी को लाया. थैंक यू सी एम सर. और मैं इसी बात से ही इस स्पीच चेयरमैन प्रपोजल बना और एक्सेप्ट भी हुआ कि ये पी एच सी जो बन हम लोग का काउंसिल और ये हम लोग मालूम है हर साल में स्टेट से पब्लिक कमेटी का लोग आता है तो बहुत हम लोग यहाँ का अलग अलग प्रकार का पूरा विश्वास है कि ये बन के जरूर होगा. और ये नया बना है और नया में चेयरमैन मिस रूपाली लाखा सब को चुना गया है और बाकी मेंबर लोग की अमिन लेखन जी डालने और फिर तो लोग अच्छा से जैसा काम होना चाहिए और जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए उसको आप लोग अच्छा से चेक करेगा अच्छा से काम करेगा बोल के मेरे को.
काउंसिल में बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत सारा रूल बनाना बाकी है कि सबसे पुराना काउंसिल मिला है लेकिन कुछ कुछ और भी काम करना है। हसाओ का पहले अलग अलग रूल बनाने के लिए भी था, बन सकता रहा लेकिन कुछ कारण से नहीं बना होगा आगे में, लेकिन अभी बन रहा है शायद इलेक्शन का प्राप्त बन रहा है, आस्ते आस्ते वो भी बन जाएगा। तो ये सब बहुत सारा इम्पोर्टेंट है सिक्स शेड्यूल का। तो आज में भी गया काल में भी डिमा हसाओ का सिक्स शेड्यूल के लिए यहाँ पे आया है, टीम बैठा हुआ है, तो एक खाल भी मीटिंग होगा। आज में ऑनरेबल ईएम एमएससी लोग उनका साथ में कुछ कुछ ट्राइबल एरिया पे ट्राइबल एरिया ट्राइबल गांव में विजिट करने के लिए किया है, तो उसमें निरुपमा संगमा जी ऑफ ट्राइबल के लिए सेंट्रल से, तो उसमें तिवारी जी सेक्रेटरी आईएस भी आया हुआ है। तो सारा प्रॉब्लम तकलीफ हम लोग का भारतीय जनता पार्टी सरकार आके छोटा छोटा काउंसिल छोटा छोटा इश्यू काम करने के लिए हम लोग को मौका दे रहा है। तो इसमें हम लोग सब लोग मिलके हाउस के हम लोग काम करना चाहिए, और कुछ कुछ अभी सिक्स शेड्यूल जो अभी अमेंडमेंट होगा उसमें भी बहुत सारा का अलग अलग इश्यू आ सकता है, अलग का कोई बना के इशू ला सकता है, लेकिन हम पूरा भरोसा है हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी को। डिमा हसाओ में जब से बीजेपी सरकार आया सरकार बना तब से हम लोग उनका अलग अलग नियम अलग अलग रूल हम लोग को ट्राइबल सिक्स शेड्यूल के लिए बसाने के लिए अभी हम बना के आया। पहले भी एंटी डिविजन ये पब्लिक अकाउंट कमिटी अभी बनाया, और आने वाला दिन में इलेक्शन ब्रांच को भी हम बनाएगा, और इसी हाउस से हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है डिमा हसाओ का, जितना भी ट्राइब है जितना भी कम्युनिटी है जितना भी धर्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आशा है कर सकेगा। और हम लोग यहाँ का ऑनरेबल पर लोग सब लोग पब्लिक जिता के हम लोग को यहाँ पे भेजा है, तो पब्लिक के लिए हम लोग सब लोग काम करेगा बोल के मैं पूरा भरोसा हूँ। और पीरसा हम लोग का ऑनरेबल चेयरमैन और हाउस, और जो लास्ट हम सेशन में नहीं था तब भी आप लोग अच्छा से काम किया, जो स्टेट गवर्नमेंट से जो खगस आया उसको स्टेट गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है भी खुश करना है पब्लिक आया, उसके लिए फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा बात ज़्यादा नहीं बोल के छोटा सा वक्तव्य यहीं समाप्त कर, थैंक यू जुटे। तो ऑनरेबल मेंबर्स लोगों को थैंक्स देने चाहता हूँ, क्योंकि आज पीएसी भी बन गया, पीएसी का जो कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो मेरा तरफ से बेस्ट विशेस टू ऑल मेंबर्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पीएसी, और आशा रखता हूँ कि पीएसी का मेंबर्स लोग अच्छे से अपना ड्यूटी निभाएगा, डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल को फंक्शनिंग में और भी स्ट्रेंथनिंग करेगा, मजबूत करेगा, फाइनेंशियल हेल्थ को और भी अच्छे से मेंटेन करने में पीएसी के तरफ से सहायता मिलेगा। तो सभी को जितना भी आज ऑनरेबल मेंबर उपस्थित सभी को धन्यवाद देके आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आई डिक्लेयर टुडे सेशन ए सिनेडाई।